सकता है गाइस, बहुत ही कम शॉर्ट में हमारा ये जॉब डन हो चुका है बहुत ही कम समय में। और ये भी केवल पॉसिबल हुआ है 48 सेकेंड में। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, 48 सेकेंड में हमारा ये फोन जो है वो अनलॉक हो चुका है। हेलो और ये गाइस, सोचिए, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो चलिए मैं बता दूँ आपके पास, मेरे पास एक रेडमी नोट 8 मॉडल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रेडमी नोट 8 प्रो। ये हमारे पास रेडमी का नोट 8 प्रो मॉडल है, जिसमें गाइस लगा हुआ है MI अकाउंट। तो इसकी MI अकाउंट बहुत हम इजी तरीके से रिमूव करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट इन तक जरूर देखिएगा गाइस। तो चलिए हम इसके वीडियो को दिखाते हैं, इसके MI अकाउंट को हम रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, वीडियो को लास्ट इन तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा गाइस। तो ये जो है हम इसको करने वाले हैं, कोई मेरे वीडियो में कोई टफ नहीं रहता, बहुत ईजिली तरीके से रहता है। उसके लिए सारी चीज़ों के लिए आपके पास टूल होना चाहिए ज़्यादातर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो रेडमी का ये हमारा है रेडमी नोट 8 प्रो। तो इसके MI अकाउंट रिमूव करेंगे। तो चलिए वीडियो को तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पता है तो वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह जो मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आता रहता हूं, तो अगर ये हमारे कंटेंट अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं इसको अनलॉक टूल से करने वाला हूं, बहुत इजी तरीके से करने वाला हूं गाइस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे अनलॉक टूल यूज़ करने वाला हूँ। बहुत ईजी टू यूज़ है, बहुत कम समय में, बहुत थोड़ा सा टाइम लेते हुए फटाफट। तो चलिए आपने अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेडमी नोट, यहाँ पे लिख देते हैं रेडमी नोट 8 और प्रो। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो है। आप इसको रेडमी नोट 8 प्रो सेलेक्ट करेंगे और सीधा आपको दिखाई दे रहा है डिसेबल MI अकाउंट, OTA पे आप क्लिक कर लेंगे। अगर इससे नहीं होता है गाइज तो आप रिसेट MI अकाउंट पे क्लिक करेंगे। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ पे रेडमी को यहाँ पे डिसेबल MI अकाउंट, जो कि आपके सामने लाइव ये हमारा फोन चालू है। अब ये डाटा केबल से एक बार आपको कनेक्ट कर लेना है और देख लेना अगर फोन बंद होता है कि नहीं होता गाइज। जाहिर सी बात है फोन आपका बंद नहीं होगा। यहाँ पे आप जब बंद करने जाएंगे तो आपको ये MI अकाउंट पूछेगा। तो फिलहाल आप कैसे करिए, मैं इसके लिए आपको लाइव ही करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको इसको बूट करना है गाइस। तो फ़ोन में मैं डाटा केबल लगा लेता हूँ, ये मैंने डाटा केबल लगा लिया है। डाटा केबल आपको लगा लेना है, फिर आपको तीनों की को एक साथ प्रेस करके रखना है गाइस। देख सकते हैं रेडमी नोट 8 प्रो यहाँ पे लिख करके भी आ गया। तो मैंने तीनों की एक साथ प्रेस करके रखा हुआ है। आप भी पावर की वैल्यूम अप डाउन को प्रेस करके रखेंगे। जैसे आप करके रखेंगे तो फ़ोन हमारा कनेक्ट हो जाएगा गाइस। बहुत इजी टू यूज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे FRP इरेज भी हो चुका है, क्योंकि इसमें FRP भी लगेगी गाइस, तो इसमें FRP भी लग सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके FRP भी रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पे MI अकाउंट और FRP दोनों ही, तो ये देख सकते हैं लाइव आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखते हैं कि जो हमारा फोन MI अकाउंट डिसेबल होता है कि नहीं होता गाइस। बहुत ही कम शॉर्ट में हमारा ये जॉब डन हो चुका है बहुत ही कम समय में। और ये भी केवल पॉसिबल हुआ है 48 सेकेंड में। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, 48 सेकेंड में हमारा ये फोन जो है वो अनलॉक हो चुका है, ओनली 48 सेकेंड में। तो ये देख सकते हैं गाइस, जॉब डन हमारा ये हो गया। अब मैं आपको देख सकते हैं, ये मैं आपको फाइनली ओपन करके आगे का स्टेप दिखा देता हूँ कि हमारा ये प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ गाइस। तो चलिए ऐसे आप बने रहे, मैं फटाफट, तो जो हमारा MI अकाउंट था वो रिमूव हो गया है ओनली 48 सेकेंड में गाइस। चलिए कंटिन्यू करते हैं, वेट करेंगे जस्ट जस्ट मिनट। और यहाँ पे जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। तो MI अकाउंट तो रिमूव हो गया है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसमें FRP भी लगी है क्या। अगर FRP लगी होगी तो हम FRP का भी आपके सामने वीडियो डालेंगे। बाईपास कोई टूल नहीं गाइस, बट मैं बाईपास तो डालूंगा ही डालूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा कि इसको हम कैसे इसकी FRP बाईपास करते हैं। तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। विदाउट डोंगल, बिना किसी टूल के आप इसके FRP बाईपास कर सकते हो गाइस। तो चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पे कर रहा है। तो फिलहाल देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जॉब डन होता ही नहीं होता। जो हमारा लॉक था गाइस वो तो हमारा 48 सेकंड में ही हो गया, हमने कुछ नहीं किया। मॉडल सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे नोट 8 प्रो में गए हैं और यहाँ पे आपको सीधा डिसेबल MI अकाउंट OTA में क्लिक किया और हमारा 48 सेकेंड में आप देख सकते हैं गाइज ये हमारा हो गया गाइज। तो मैं इसकी सिम को निकाल देता तो ये फास्ट हो जाता। फिलहाल मैं डाटा केबल थोड़ा सा निकाल देता हूँ और इसकी सिम को निकाल देता तो ये अपडेट नहीं होता। तो इसकी सिम के लिए कोई बात नहीं गाइज, चलिए हो गया, डोंट कॉपी कर देंगे। जस्ट अ सेकेंड, अभी चेकिंग फॉर इन्फो। अगर इसमें गूगल अकाउंट लगा होगा तो स्किप का बटन नहीं आएगा। अगर इसमें गूगल अकाउंट हट गया होगा यहीं से गाइज, तो हमारा जो है यहाँ पे FRP भी हट जाएगा, मतलब यहाँ पे FRP भी नहीं लगेगा गाइज। तो यहाँ पे देखते हैं जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्किप का बटन आ गया गाइस। आपको अगर दिखाई ना दे
पर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किप का बटन हमारा आ चुका है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्किप का बटन आ चुका है। तो ये देखिए स्किप हो गया, मतलब FRP भी जो ऑप्शन हो गई गाइस। तो बहुत ही इजी टू यूज है, मतलब बहुत ही कम, मतलब अगर आपके पास टूल है गाइस तो आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे। तो मैं स्किप कर देता हूँ और बस जस्ट सेकेंड, यहाँ पे नॉट नो और यहाँ पे एग्री और यहाँ पे क्लासिक। ये अब देखिए ये आपको जो इंटरफेस आता है, अगर FRP लगी होगी तो वापस चला जाएगा। मैं स्टार्ट कर देता हूँ और गाइज देखते हैं इसमें FRP प्लस हमारा MI अकाउंट दोनों ही रिमूव हो गया, मैंने आपके सामने लाइव किया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारा ये कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा गाइज। हमारा जो गेम ओवर हो गया था वो 41 सेकेंड में ही हमारा ये MI अकाउंट और FRP दोनों ही रिमूव हो गया था। उसके लिए टूल अनलॉक टूल हमने यूज किया जो कि बहुत ही इजी है गाइज। तो जस्ट अ सेकेंड, लोडिंग एप्स यहाँ पे कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड और देखते हैं गाइस। ये देखिए, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।